ऑलराइट, सो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हेयर मास्क के बारे में, मतलब इसी हेयर मास्क के बारे में जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही रह सकता है। अगर तुम्हारे हेयर में नरिशमेंट अगर नहीं रहती है, स्मूथ नहीं रहता है, शाइन भी नहीं रहता है, तो भाई ये हेयर मास्क तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। एंड इसको अप्लाई करने में ज्यादा कुछ झंझट भी नहीं है, ज्यादा प्राइस का भी नहीं है। तो क्या क्या प्राइस, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इंग्रीडियंट्स मिक्स है, वो सारी बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसे कंटेनर से। सो यहाँ तुम देख पाओगे जो कंटेनर है कितना ज्यादा सा अच्छा लगता है, मतलब ग्रे कलर में है, नॉर्मली ऐसे में आ जाता है। एंड यहाँ पे छोटे जिसकी जो ब्रांडिंग वगैरह है वो दी रहती है, सामने बी ब्लंट लिखा रहेगा, सैलून लाइक ट्रीटमेंट देते हैं ये लोग, एंड इंस्टेंट साइन देने में मदद करता है। एंड भाई मैंने जैसे कि अप्लाई किया ना, तो मेरे को भी यही लगा कि इंस्टेंट साइन तो भाई ये देता ही देता है। अगर तुम जा रहे हो किसी फंक्शन पार्टी ओकेजन में, सो यू कैन अप्लाई 10 to 15 मिनट्स, एंड उसके बाद तुम लोग देखोगे एयर में काफी ज्यादा अच्छा शाइन आने लगता है। तो ये केवल सॉफ्ट स्मूथ एंड शाइन करेगा जो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसमें मिक्स होता है राइस एंड सिल्क प्रोटीन, जो कि ये मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स यही दो आ जाते हैं। एंड अगर हम बात करें कितने रुपए का है, सो बेसिकली इसका यहाँ पे लिखा रहता है 499 लिखा रहता है, बट ये उतने का नहीं है, 409 रुपए का आएगा, मतलब इसके आसपास होगा, मैं सब फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो अगर तुम लोग को प्राइस चेक करना है तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से जाकर आराम से चेक कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें ये इंडियन हेयर टाइप के अकॉर्डिंग बना रहता है, तो यार जितने भी इंडियन लोग ना भाई, तुम लोग घबराने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। और अब हम बातें कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। भाई यूज करने का फंडा मैंने जैसे कि तुम लोग को बताया था, हाँ, लेकिन ये नहीं कि तुम लोग नहाने से पहले यूज कर रहे हो, नहाने से पहले भी यूज कर सकते हो, बट तुम्हें क्या करना, अपने हेयर को प्रॉपरली क्लीन करना होगा शैम्पू से। तुम लोग को शैम्पू से जितना भी डट पोल्यूशन वगैरह है उसको पहले अपने हेयर में से निकाल लेना होगा, देन यू कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट। एंड 10 से 15 मिनट तुम लोग को ऐसे ही छोड़ देना होगा, मतलब लिखा तो ये रहता है, बट जब तक ड्राई ना हो जाए तुम लोग को तब तक रखना है। और जैसे ड्राई हो जाए सो यू कैन वॉश आउट, अपने नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम लोग देखो इंस्टेंट साइन दिखने लगे भाई, एंड अप्लाई नॉर्मल से करना जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। एंड भाई ये वीडियो अच्छी लगी है नहीं अच्छी लगी, मतलब नहीं तो अच्छी ऐसे कोई बात ही नहीं है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे एक्साइटिंग एंड अमेजिंग वीडियोस हम तुम्हारे लिए आप लोग के लाते ही रहते हैं। सो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।